It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Lazy, sust, wolf, bhediya, pond, talab, bull, bell, stuck, phans gaya, stick, stuck, phans jana, crane, an animal, इसको सारस कहते हैं, इसकी चोंच लंबी होती, बीक, चोंच, रिलीफ, आराम, सहाय, वैसे तो सहाय का मतलब होता है सांस लेना, लेकिन सहाय ऑफ रिलीफ जब आप कहते हैं, वो फिर इत्मीनान का सांस लेना हो जाएगा, अनग्रेटफुल, नाशुक्रा आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये अन जो है दिस इज अ प्रीफिक्स यानी आ यू एन हम एक से ज्यादा वर्ड्स के पहले लगाकर हम नए अल्फाज बना लेते हैं लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स इज अनडू अब डू के मानी करना और अनडू उसको वापस ले आना यानी करने के बाद उसको अनडू कर देना अनग्रेटफुल आप बच्चों को बताइएगा कि हम ग्रेटफुल वर्ड जो है हम आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम कहते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू अन लगा के हमने इसको कर दिया ना शुक्र अनग्रेटफुल